ज्यादा बड़ा काम दिया जाता है उसका मतलब आप ज्यादा कैपेबल है। तो सोसाइटी में हमारा बहुत बड़ा महत्व है। कंपटीशन वाली भावना होनी चाहिए कि कल मैंने अच्छा किया, कल से आज और मैं क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे नवभारत सुपरमैन कैंपेन में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी मेहमान जायका मोटर की जीएम दीपा केडकर हैं। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, कैसे रही उनकी जर्नी। दीपा जी, नवभारत सुपरमैन कैंपेन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो वेरी मच। मैं पहले तो नवभारत टीम को मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी और अभिनंदन करना चाहूंगी कि आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेकर सामने आए हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि मैं अपने कुछ दो चार मेरे जो अनुभव है उससे अगर मैं किसी एक को भी इन्फ्लुएंस कर पाई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मेरा भाग्य होगा। एंड थैंक यू दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके अभी, और आई होप आई शुड डू गुड जॉब विद दिस इंटरव्यू। थैंक यू। डेफिनेटली आप करेंगी। बस शुरुआत मेरी यहीं से होगी कि आपका सफर जो कि यहाँ जायका मोटर तक पहुंचा है एज ए जीएम कैसा रहा, क्योंकि आसान तो नहीं होगा डेफिनेटली, तो बताएं हमारे दर्शकों को। मैम, मैं बचपन से ही थोड़ा सा टॉमबॉयश थी। मेरे दो बड़े भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। मेरे फादर काफी सोशल एक्टिविस्ट थे उस जमाने में, तो हमारे घर में एक सेल्स का बोलते हैं ना, बचपन से सेल्स की शायद भगवान मुझे तैयारी करवा रहा था। एंड माय मदर यूज टू रन अ शॉप, इट वाज अ टाइपिंग इंस्टीट्यूट एंड जेरोक्स सेंटर। और हमारा जो घर था पांचपोली पुलिस स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट था, तो पांच पुलिस स्टेशन आप समझते हैं चोर पुलिस, वो रोज हमारे शॉप में आते थे। तो मेरे लिए बड़ा मतलब नॉर्मल सा माहौल था टिल द टाइम मैं जब बड़ी हुई। और ट्वेल्थ तक आई वॉज मेरिट स्टूडेंट। ट्वेल्थ के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मुझे सीए करना था, बट मेरे फादर को हार्ट अटैक हो गया सडनली, और चीजें बहुत ज्यादा हाथ से बाहर चली गई। अब उस जमाने में फिर मैंने सोचा भी ट्वेल्थ के बाद घर भी रन करना है, बड़ा मेरा छोटा भाई भी सेटल नहीं हुआ था, बड़ा भाई बॉम्बे में शिफ्ट हो गया था। सो विथ नो ऑप्शन लेफ्ट मुझे अपनी शुरुआत नौकरी से करनी पड़ी। उस जमाने में अगर आपको याद हो तो पेजर एक ऐसा नया इंस्ट्रूमेंट आया था। सो पेजर में क्या होता है ना, क्वालिफिकेशन उतना नहीं मतलब पूछा जाता था। सो एक पेजिंग ऑपरेटर करके आई स्टार्टेड माय जर्नी विद पनवायर कंपनी। सो वहां पे फिर मैंने कुछ दो तीन साल काम किया, फिर मैं वहां से मेरा ट्रांसफर नासिक हो गया। फिर वापस पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो पिताजी को लगा कि पता नहीं मैं कितने दिन हूँ, तो मुझे वापस नागपुर आना पड़ा। उस टाइम पे मुझे याद अच्छे से, मैं जब भी पेपर खोलती थी सेल्स के अलावा कोई जॉब लड़कियों के लिए या बोलो मतलब कोई जॉब दिखाई नहीं देते थे। और मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से थी, फाइनेंस बैकग्राउंड में दे वांटेड टू हैव मतलब उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता था, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पेजिंग ऑपरेटर का एक्सपीरियंस आपको पता है, कॉल लेना, मैसेज टाइप करना, भेजना। और मैं क्योंकि टाइपिंग इंस्टीट्यूट था हमारा, तो मेरा टाइपिंग बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा एक्वेंट थी, तो मुझे जल्दी से शायद इसलिए मुझे लग गई होंगी जॉब। तो फिर कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए फिर मुझे ऑटो सेक्टर में आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है सेल्स एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको माल बेचना है और पैसे कमाने हैं। कोई क्वालिफिकेशन और डिग्री ये सब बात की बात है, मतलब आप एक शुरुआत कर सकते हैं। सो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो मैं ये फील्ड के लिए नहीं बनी थी, मुझे कुछ और ही करना था, बट बोलते ना वो भगवान ने अपने आपके लिए कुछ चुन लिया रहता है और वो ज्यादा अच्छा होता है जो आप अपने लिए चुनते हैं, ऐसा मेरी जर्नी को लेकर मैं ऐसा मानती हूँ। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन जैसे कि आपने सेल्स के लिए बात की, सेल्स उस जमाने में, आज तो डिजिटल का दौर आ गया, तो फिर भी लोग प्रमोशन और इस तरह से चीजें कर करके सामान बिक जाता है। आज भी चैलेंजिंग है, ऑफ कोर्स कंपटीशन है, लेकिन उस जमाने में सेल्स का एक अलग माहौल था, एक अलग फेज था। तो आपकी नजर में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन महिलाओं, करना पड़ा होगा, क्योंकि ना तो कोई डिजिटल था, ना तो कोई प्रमोशन वे का बैनर और इस तरह से लेके, तो एक हैंड्स फ्री में लेके मतलब एक पैम्पलेट लेके जाना, सेल करना, तो कितना चैलेंज आपने फेस किया उस दौरान जब सेल्स। अगर मैं जैका की बात करूं तो जैका उस टाइम पे ऑलरेडी 40-45 साल का उनका ट्रक का बिजनेस हो चुका था, और टाटा की पहली गाड़ी इंडिका के साथ उन्होंने पदार्पण किया था टाटा मोटर्स ने थ्रू जैका मोटर्स। तो एक तो मुझे जो याद है, मैं एक में वह लड़की थी
एक और हमारे यहाँ थी बट शी वॉज अ बैक ऑफिस गर्ल, बट मैं फ्रंट में, फिर मैंने अपना, और मुझे अच्छे से याद है कि कोई भी डीलरशिप में उस टाइम में कोई भी लड़की काम नहीं करती थी, तो चैलेंज मतलब बहुत ज्यादा चैलेंज था, बिकॉज आप जब सेल्स इस लाइन में, सोचिए 25 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो आप सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर पे प्रश्न आ जाता है कि आप यार कैसे मतलब लड़कों से बात करती है, ये करती है, मतलब तो एक बोलते ना ब्रैकेट में डाल दिया जाता है लड़कियों को, अरे शादी नहीं होंगी, मतलब लड़का कैसे पसंद करेगा। बट मैं थोड़ी हेडस्ट्रॉन्ग थी एक तो अपने आप में, दूसरा मेरे फादर का मुझे काफी अच्छा सपोर्ट था, और ही वॉज वेरी मतलब वो बोलते ना उस टाइम पे एम्पावरमेंट, क्योंकि मुझे जेंडर बायस तो पता ही नहीं चला मेरे घर में, जेंडर बायस क्या होता है, मतलब मेरे दो भाई से ज्यादा लाडली मैं थी, तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। शायद वो एक बहुत बड़ा मेरा मतलब मेरा जो बैकिंग मेरे फादर से मुझे मिला, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, और मैं बहुत आसानी से वो कस्टमर्स को अटेंड करती थी। अच्छा, इतना उल्टा मुझे लगता है बीइंग लेडी मेरा मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जब आप किसी शोरूम में जाते हो तो आप शोरूम का भी नाम भूल जाते हो, आप प्रोडक्ट का भी नाम भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता अच्छा मैंने कौन सी गाड़ी देखी। तो मेरे केस में क्या होता था, अरे वो लड़की ने मुझे अटेंड किया, तो आधे लोगों को पता, अरे लड़की तो एक ही है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा मतलब चैलेंजिंग ऑफकोर्स था, बिल्कुल नहीं ऐसा था कि नहीं बहुत ही आसानी से हो गया, बट जजमेंटल जो हो जाती है ना दुनिया लड़कियों को लेकर, वो मैंने उस टाइम पे बहुत देखा, बहुत ही ज्यादा देखा कि नहीं मतलब क्यों दूसरी फील्ड नहीं थी, क्या एचआर में नहीं जा सकते थे, क्या फाइनेंस में नहीं जा सकते थे। बट मैं अभी सबको क्या बताऊं कि मेरा तो अभी तो ग्रेजुएट भी पूरा होने का था, तो ठीक है धीरे धीरे, बट एक्सेप्टेंस क्या होता है ना, अगर आप अपने आप से कमिटेड हो और आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, और तो आपके बारे में जो लोग ओपिनियन बनाते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे धूमिल हो जाते हैं, और आपका एक्चुअल कैरेक्टर सामने आने लगता है, फिर लोगों को लग, फिर वो आपको नॉट एज ए जेंडर, फिर मुझे वो एज ए एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट करने लग गए लोग, ऐसा मुझे लगता है। तो इतनी बड़ी पोस्ट के बाद एज ए जनरल मैनेजर के पास जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, तो चीजों को आपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ? जैसे मैंने अभी बताया ना, काफी चीजें यूनिवर्स आपके लिए करते रहता है, तो जब मैंने जैका ज्वाइन किया तो मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे कि चलो अभी मतलब लड़के उस हिसाब से लड़का, मेरा बड़ा भाई भी मेरे लिए ढूंढ रहा था, बट वहीं पे मेरे जो हस्बैंड है प्रवीण खेड़कर, वो भी वहीं काम करते थे, और वो सुमो सेक्शन देखते थे और मैं कार सेक्शन देखती थी, तो समहाउ फ्रेंडशिप हो ही गई थी। अब दिन भर आप 8-9 घंटे काम करते हैं, तो आप तो बिना किसी से बात के रह नहीं सकते, तो उनसे बातचीत हो गई अच्छे, भाई वाज अ वेरी गुड मतलब कुलीग, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होते थे तुरंत समाधान मिल जाता था वहीं, तो धीरे धीरे वी फाइंड यू नो सोलमेट इन ईच अदर। तो भगवान नहीं, वो जो बोलते ना सेल्स से रिलेटेड, आगे शादी ही नहीं होने वाली थी मेरी लोगों के हिसाब से, तो भगवान नहीं लाके वो मेरे जो हस्बैंड है मुझे वहीं मिले। तो एक बहुत अच्छा हो जाता है कि जब सेम प्रोफेशन में आप दोनों हो जाते हैं तो आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं, तो इस तरह लाइफ थोड़ा सा यू नो एडजस्ट हो जाती है कि चलो उसको पता है कि दीपा को लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मुझे पता है। संडेज उस टाइम में मुझे याद है हम तो एक भी संडे घर पे नहीं रहते थे, हमारे इतने कभी कोई एक्टिविटी हो रही है, कभी डिस्प्ले में जाना पड़ रहा है, कभी शोरूम में कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि नई नई गाड़ियां इंडिगो आ गई थी, फिर मरीना आ गई थी, कभी लॉन्चेस हो रहे हैं गाड़ी के, बट बिकॉज क्योंकि प्रवीण भी इसी प्रोफेशन में था तो काफी मेरे लिए आसान हो गया। तो बैलेंसिंग मतलब ऐसा है कि अगर आपने सही पार्टनर आपने या तो चुन लिया है या तो आपको मिल गया है, तो आपके लिए थोड़ी चीजें बीइंग लेडी में जरूर बोलूंगी कि पार्टनर चूज करने में बिल्कुल भी थोड़ा मतलब जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, एंड क्योंकि अगर आपको करियर आगे बनाना है तो पति का साथ बहुत इम्पोर्टेंट है, और पति को पत्नी का साथ है, मैं मतलब ऐसा दोनों को एक दूसरे का, तो अगर आपको लॉन्ग टाइम बोलते ना लंबी रेस का अगर आपको घोड़ा बनना है तो आपको पार्टनर शुड बी वेरी गुड, तो मेरा मैं बहुत लकी रही हूँ इस मामले में। सही बात है। तो जैसा कि आपने कहा ऑफ कोर्स सपोर्ट की जरूरत है, तो आपकी नजर में महिलाओं के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है? शिक्षा देखिए कैसा है, मुझे लगता है शिक्षा एक टूल है, वेपन है अपने आप में, पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड, हम लोग जो बचपन से, जैसे मैंने अभी बताया मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, तो बचपन से मुझे लोगों से डर नहीं लगता था क्योंकि मैं वो बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि शिक्षा के पहले अपब्रिंगिंग आती है, शिक्षा तो आप 7 साल के बाद एक्चुअल शुरू करते हैं, तो शिक्षा के पहले जो जिनको घर में अच्छा वातावरण हो और एक मतलब एक बोलते ना जिसको मोटिवेटेड रहे
कि लड़की है तो ऐसा नहीं, तो उस हिसाब से ना थोड़े बेसिक चीजें, बेसिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पेरेंट्स से होती है। अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है तो फिर जब आप नौकरी शुरू कर रहे, 10वीं 12वीं तो आसानी से, देखो आजकल तो अंडरस्टूड है कि इंसान 12वीं तक तो पहुंच जाता है किसी धक्का मार के बोलो यार, बट 12वीं के बाद जब आपको लाइफ समझने लगती है तब शिक्षा एक्चुअल में प्ले रोल प्ले करती है। जैसे अभी तो कितने कोर्सेज हो गए, जैसे BBA हो गया, MBA हो गया, फिर आपको लड़कियों को पता होता है कि मुझे पायलट बनना है या फिर मुझे फैशन में ही जाना है, तो उसके तो ये उसकी जो बारीकियां हैं वो आपको शिक्षण शिक्षा देती है। और मुझे लगता है मैंने भी मतलब तो मैंने फर्स्ट ईयर में अपना जॉब शुरू किया है, बट मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MBA किया और उसके बाद आई एम अप्रोचिंग फॉर PhD। बिकॉज क्या होता है जब आप एक एजुकेशन में चले जाते तो आपका माइंड क्लियर होने मतलब तो इतना इतना लाइफ में इतनी जो धूल रहती है ना इधर उधर के बातों में बोलो या लोग आप पे इन्फ्लुएंस करते रहते, तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको अपने लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी मिलती रहती है कि नहीं यार मुझे ये करना है और मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आपको रोज रोज आप वो पढ़ाई करते हैं, फिर अपना एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो शिक्षा का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, नहीं तो आप ना लॉन्ग लॉन्ग नहीं जा सकते, आप शॉर्ट में जाके अटक जाएंगे, ये बात पक्की है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है जी। जैसा कि आपने अपब्रिंगिंग की बात की, देश में नहीं बहुत सारे शहर राज्य में भी ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं या बच्चियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स उनको फेस करना पड़ता है, तो किन चुनौतियां किन बैरियर्स का सामना करना पड़ता है आपके नजरिए से? बहुत है। सबसे पहले तो ये जो सोच वाला मैटर अपने इंडिया में बहुत ज्यादा ही चलता है, फिर भी मैं बोलूंगी मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, बहुत ही ज्यादा चेंज हो रही है। कुछ कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करने से भी कतराते थे, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल हो गए, जैसे पीरियड्स हो गए, शादी के बाद दूसरी शादी हो गई, विधवा, मतलब पहले बहुत ज्यादा सोचा जाता था, जैसे कोई औरत डिवोर्स ले लेती थी तो पहले तो उस पे ही पूरा मतलब ठीकरा फोड़ दिया जाता था कि यार लड़की में ही प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया भी जो मैं देख रही हूँ काफी चीजें लोग ओपनली डिस्कस करने लगे हैं और एक प्रकार का माहौल बन गया है कि अगर मतलब डिबेट होने शुरू हो गए हैं, जैसे किसी मैंने अगर मेरे पति को छोड़ दिया तो पहले क्या होता था मतलब लड़की में ही प्रॉब्लम है, अभी ऐसा नहीं है, देर इज अ फुल मतलब चीजें दोनों साइड से दिखने लगी। ठीक है, चार लोग इधर भी बोलेंगे बट आठ लोग उधर भी मिल जाते हैं कि तो क्या होता है ना सोशल लाइफ थोड़ा सा मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ गया है पहले से। एक मुझे जो लगता है कि जो हम लोगों ने ना हम ओपिनियटेड जो हो गए हैं वो हमने थोड़ा सा एज ए सोसाइटी मतलब अभी मैं महिला या दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पक्ष के दो दो या तीन विकल्प जरूर हो सकते हैं, बिफोर यू नो पुटिंग द गन्स हमने ये एज ए सोशल एंटिटी या पर्सन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको स्पेशली अगर लेडीज के साथ ऐसा होता है तो हम ओपिनियन में ना जाए, हो सकता है यू नो उसका, तो एज ए सोसाइटी मुझे लगता है हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हमने उसको बैकिंग देने की बहुत जरूरत है। कि शहर में तो फिर भी काफी कुछ है, शहर में काफी हद तक गाँव में भी पहुंच गए, लेकिन शहरों में भी कुछ ऐसा दबका है आज भी जो थोड़ा सा ना डिप्राइव कर देता है लेडीज को, अगर वो निकलना चाह रही है तो मतलब तो स्पेशली लेडीज को लेडीज से ज्यादा प्रॉब्लम आने लगते हैं रादर देन, वो भी एक गलत बात है कि मेरे को नहीं मिला इसलिए मैं उसको नहीं दूं, दिस इज यू नो थोड़ा सा हमने ब्रॉड रहना चाहिए कि यार मुझे नहीं मिला लेकिन इसको अगर मिल रहा है तो आई शुड यू नो गिव हर सपोर्ट। और मुझे ऐसे लगता है कि जितना आप देते हैं ना प्रभु आपको उतना डबल वापस भेजता है, तो अगर ऐसे नहीं तो वैसे सोच के ही आपने उसका यू नो भला करना चाहिए जो बड़ा प्रॉब्लम एरिया है हमारे यहाँ। जैसे शहरों में मुझे लगता है हम लोग काफी सिक्योर है फिर भी, और हम लोग सिक्योर है और गवर्नमेंट ने हमें जिस हिसाब से कुछ कुछ यू नो जैसे लेडीज पुलिस स्टेशन तक शुरू हो रहे हैं, ऐप शुरू हो रहे हैं, उसके बाद कुछ हेल्पलाइंस है जहाँ पे हम लोग, बट कॉरपोरेट में बहुत ज्यादा क्या होता है ना डोमेस्टिक वातावरण उतना नहीं मतलब पहले जैसा नहीं रहा,
पहले तो डोमेस्टिक में ही औरतें फंस जाती थी, बट कॉर्पोरेट में अभी भी मुझे दिखता है कि थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम्स नजर आते हैं सटल वे में, मतलब ओपनली नहीं बट देर इज सम सटल वे की नहीं दिया जाता है. बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मैं जाती हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे जैका जैसा ऑर्गेनाइजेशन मिला और यहाँ पे बहुत सारे एचओडीज लेडीज हैं. तो मैं बोलती हूँ कि कॉर्पोरेट में कहीं ना कहीं एक ऐसा इमेज हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर यहाँ पे अच्छी औरतें काम कर रही हैं, तादाद अच्छी है, तो उसके लिए ना गवर्नमेंट शुड मेक अ सेपरेट कैंड अवार्ड में भी या रिकॉग्निशन कि अगर वो घर में, वो जैसे हम घर में अच्छी लेडीज लेडीज खुश है तो हम बोलते हैं लक्ष्मी का वास है. तो मैं बोलती हूँ ये सेम चीज क्यों नहीं हम लोग कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस में करते हैं कि यार ये अगर गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत लेडीज दिख रही है, जैसे बैंकिंग में हो रहा है जी. बैंकिंग में काफी लेडीज दिखती है बट आज भी ऑटो सेक्टर में नहीं दिखती है, मतलब मेरे सेक्टर में मैं उतनी लड़कियां बैक ऑफिस में नजर आती है बट फ्रंट मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं दिखाई देती है. तो मुझे लगता है हमने गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ ऐसा मापदंड दे दिया जाए कि जहां लेडीज नहीं सामने से नहीं आ रही है वहां पे अगर हम एक ऐसा क्राइटेरिया रखें कि नहीं अगर लेडीज है तो यू नो जैसे मैंने आपको बताया घर का, घर में लक्ष्मी खुश है लड़कियां तो ज्यादा अच्छा घर माना जाता है, तो उसी तरह प्राइवेट सेक्टर्स और पीए इस तरह का कुछ ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट कि जहाँ पे हमें लगे कि नहीं लेडीज की तादाद अच्छी है, मतलब यू नो गुड दे आर द, जैसे मैं अभी कोशिश करती हूँ मेरी हर टीम में एक लड़की हो. उसके पीछे रीजन ये है कि एक डिसिप्लिन रहता है, यू नो एक ओपननेस, देयर इज ऑलवेज अ एक एक्स फैक्टर रहता है इफ देयर इज अ लेडी इन योर टीम, राइट? तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से. आपकी प्रेरणा कौन है, क्योंकि जिस हिसाब से जिस बेबाकी से आप बात कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपकी जर्नी काफी उतार चढ़ाव वाली रही लेकिन आज जिस मुकाम तक पहुंची हैं, तो किसे प्रेरणा मानती हैं आप अपना? प्रेरणा बहुत है वैसे तो, सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी मम्मी है क्योंकि मेरी मदर ने 1962 में नागपुर का जो बहुत ही मतलब उत्तर नागपुर बहुत उस टाइम पे बहुत मतलब बोलते ना गुंडों वाला माना जाता था, उस टाइम पे शी स्टार्टेड टाइपिंग इंस्टीट्यूट इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन. तो तब मुझे नहीं लगता था, जब मैं उस घर में रही थी तब मुझे नहीं लगता था. अभी लेटली क्या होता है, जब आप एक अच्छा खासा समय सोसाइटी में बिता देते हो तो इस तरह की औरतें जो मतलब ऐसे ऑड कंडीशन में सामने आ जाती है और इतना अच्छा, मतलब शी हैज नॉट, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने उनको बहुत नाम मिला, नहीं ऐसा, शायद उस टाइम वो वुमेन्स अवार्ड होते तो आप जरूर उनको बुलाते हैं, लेकिन हाँ मतलब उस वो एक प्रेरणा रही है कि यार मम्मी कर सकती है, उस जमाने में कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ जब मैंने ये स्टार्ट की जर्नी. बट एज ए पब्लिक फिगर आप बोलो तो मेरे दिल के करीब मुझे मदर जी टेरेसा लगती है कि वो मतलब कितना कुछ किया उन्होंने सोसाइटी के लिए और देती रही बहुत, मतलब अपनी पर्सनल पूरी लाइफ बाजू में रख के इतना कुछ सोसाइटी के लिए करना और आगे बढ़ना और लोगों को यहाँ तक, आज भी हम कलकत्ता जाते हैं तो उतनी उनकी स्टोरी सुनते हैं तो ऐसा लगता है नहीं जाते रहते हमने भी कुछ नो गिव बैक करके निकलना चाहिए. तो यस पब्लिक फिगर अगर मैं बोलूँ तो यस मदर जी, अदरवाइज माई मदर इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन. इस सुपरवुमन कैंपेन के जरिए नवभारत के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं एक ही बोलना चाहूंगी कि ये कंपैरिजन जो बहुत ज्यादा होने लग गया है, हमने अपना कंपैरिजन टालना चाहिए, हम मतलब मेल फीमेल ये इसमें ना पढ़ते हुए भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है और हमें जननी बनाया है. जननी मतलब होता है कि आप जब आपको ज्यादा बड़ा काम दिया जाता है इसका मतलब आप ज्यादा कैपेबल है, तो सोसाइटी में हमारा बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हम जननी हैं, हमने हमेशा ढालने का काम करना चाहिए. हम कहीं पे भी रहे, अगर हम घर में हैं तो हमने घर में अपना बेस्ट हमारा, और अगर हम ऑफिस में हैं, अगर हम किसी ग्रुप में हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कितना अच्छा अपनी तरफ से दे सकते हैं. बहुत ज़्यादा यू नो कॉम्पिटिशन और ये सब में मुझे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये सरपिटिशन वाली भावना होनी चाहिए कि कल मैंने अच्छा किया, कल से आज और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, कल मैं और क्या अच्छा. तो हमने अगर हमारे बोलते ना सेल्फ लव पे पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए और हम अगर अपने आप को जितना अच्छा
बेहतर बेहतर बनाएंगे तो हम सीधी सी बात है हम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, अगर हम अच्छे बनेंगे तो हमारे आजू बाजू का माहौल अच्छा बनेंगे। तो मतलब बहुत ज्यादा ऊपरी बातें ना करते हुए सेल्फ वाला अगर भी हमने अच्छे से कर लिया और समझ लिया लाइफ में एथिक्स का क्या महत्व है तो भी लाइफ बड़ी सुंदर होने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी हमारे साथ इस सुपरमैन कैंपेन से जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे नवभारत परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली जर्नी। जिस तरह पीछे आपने काफी फेस किया सिचुएशन को, उतार चढ़ाव देखे वो ना देखना पड़े, और जर्नी और बेहतर बने, और आप महिलाओं की मदद करते रहें, लोगों को इंस्पायर करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और पुरानी आपने यादें ताजा कर दी, और पूरी टीम को मेरी तरफ से और महिला दिन के उपलक्ष में मैं जितनी भी महिलाएं हमारे पूरे विश्व में हैं उन सबको बधाइयां देती हूँ कि आपको ये जन्म नसीब हो और आगे हम इसी तरह इसी जन्म में आते रहें।